अमीर सोच और गरीब सोच में क्या फर्क होता है? अब देखो, अगर मैं किसी को 1 लाख रुपए दे दूं ना, किसी, देखो दो लोगों को मैंने 1 लाख रुपए दिया, ध्यान से सुनना। एक तो ऐसा है, एक दो लड़कों को 1 लाख दिया, एक लड़के को 1 लाख दिया, एक दूसरे लड़के को 1 लाख। तो जब उनको बोला कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम इसके साथ कुछ भी करो, ठीक है, तो एक लड़के ने क्या किया, उसने उस 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया, क्योंकि उसको आईफोन खरीदना था, उसे बहुत अच्छा लगता था, उसने आईफोन खरीद लिया, ठीक है। तो एक लड़के ने आईफोन खरीद लिया, उसको बोला था कि तुम 1 लाख से कुछ भी कर सकते हो, तो उसने आईफोन खरीद लिया। लेकिन दूसरे लड़के ने क्या किया पता है? जब उसको 1 लाख रुपया मिला ना, तो उसने वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। उसने एक ऐसा तरीका निकाला कि ये 1 लाख को मैं 10 लाख में कैसे कन्वर्ट करूं, जब 1 लाख रुपया 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा तब मैं बढ़िया वाला आईफोन लूंगा ना, तब मैं, आपको पता है आईफोन 13 भी आने वाला है, तो मैं बढ़िया वाला आईफोन लूंगा। 1 लाख में तो क्या ही आईफोन आएगा, आईफोन 13 मान के चलो 1.5 से 2 लाख का उसका प्राइस होगा, तो 1 लाख में वो तो नहीं आने वाला। तो यहाँ दो तरीके की सोच के लोग होते हैं कि एक 1 लाख रुपए से आईफोन खरीद लेंगे, लेकिन एक 1 लाख रुपए से क्या खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे, वो इन्वेस्ट करें ताकि उस 1 लाख रुपए को 10 लाख में कन्वर्ट करें, 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद से तुम आईफोन का एक पूरा स्टोर खोल सकते हो भाई। वो थिंकिंग बेहद जरूरी है, वो मैं A2 मोटिवेशन की फैमिली को हमेशा सिखाना चाहता हूँ कि आप एक काम, ये चीज सीखो,